ये तो है एनावार, ये पहले से चल रही है, ये क्लीन, ये आज स्टार्ट हुई है। और ये है एनाड्रोल, ये भी आज ही स्टार्ट होगा। था 250 mg मेरे पास डे का था और 10 mg में ये मेरा डाना बोल था। तो 250 mg के हिसाब से मैं 125 mg एक दिन में यूज़ किया करता था। उसके बाद नेक्स्ट 2 दिन का गैप दे के फिर उसके बाद 125 mg यूज़ किया करता था। और ये सारी चीज़ें मैं एक मेरा जैसे ट्रेनर एक तरीके से बोले तो बड़ा भाई है, तो उसके निगरानी में मैंने ये चीज़ें किया था। अगर आप कोई सा भी अगर बंदा यूज़ करना चाहता है तो भाई रिक्वेस्ट है कि किसी के गाइडलाइंस में यूज़ करना, उसके बाद आप किसी के अंडर में रह के ये चीज़ें यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ें बनाई भी गई हैं तो यूज भी करी जाएंगी, ऐसा तो है नहीं। और ये हमारे इंडिया में भी मेडिकल पे आसानी से मिल जाती है। तो प्रॉब्लम यहाँ तक आ गई है कि लोग ओपनली स्टीरोइड्स का इस्तेमाल करने लगे हैं, उसको इंजेक्ट करते हुए सोशल मीडिया पे पोस्ट करने लगे हैं और ओपनली सोशल मीडिया पे ही उसका नाम बता देते हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है जब लोग सोशल मीडिया पे अपने फिजिक की फोटो पोस्ट करते हैं, स्टीरोइड्स लगाते हुए पोस्ट कर रहे हैं, पिल्स के नाम बताते हुए पोस्ट कर रहे हैं, तो लोग उसको कमेंट में जाके पूछ रहे हैं कि भाई साहब पिल्स का नाम बता दीजिए, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, अपना डीएम चेक कीजिए, मैंने आपको कॉन्टैक्ट किया है, मुझे भी फिजिक बनाना है। बहुत सारे कमेंट्स, लाइक्स और शेयर मिलते हैं इनको, तो ये एक पूरा सर्कल बन गया है स्टीरोइड्स के इस्तेमाल करने का। सबसे पहले लोग पोस्ट करते हैं जिनको स्टीरोइड्स जिन्होंने स्टीरोइड्स का इस्तेमाल किया है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा है, लोग उसको कमेंट में जाके पूछते हैं, उसको डीएम करते हैं, उससे कांटेक्ट करते हैं स्टीरोइड्स के लिए, उसकी जो फिजिक है उसके बारे में जानने के लिए और खुद फिजिक बनाने के लिए। तो कांटेक्ट के थ्रू पहुंचता है वो जिम ट्रेनर तक, जिसने पोस्ट किया था वो जिम ट्रेनर का नाम बताता है, अपने कोच का नाम बता देता है, जो जिम वाले भैया है उसका नाम बता देता है। जिम वाले भैया या तो खुद स्टीरोइड्स बेच रहे हैं या उस मेडिकल स्टोर पे भेज देते हैं जहाँ पे उनका कमीशन चल रहा है। मेडिकल स्टोर्स ओपनली स्टीरोइड्स उनको सप्लाई किए जा रहे हैं, लोग फिर उसका इस्तेमाल करने लगते हैं, तो जिनको रिजल्ट मिल जाता है तो वो फिर से सोशल मीडिया पे आके पोस्ट कर देता है। तो ये एक पूरा सर्कल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। सर्कल के बाहर की तो बातें होती रहती हैं, लेकिन सर्कल के अंदर का जो रेड जोन है, रिजल्ट्स है, उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। एक्चुअल में जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन का बंद हो जाना, एक्ने हो जाना, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, ट्यूमर फॉर्मेशन और इवन डेथ, तो इन साइड इफेक्ट्स की बात कोई नहीं कर रहा है, जस्ट ऊपर से वो सर्कल चलता रहता है। और अगर किसी दिन साइड इफेक्ट्स की बात होती भी है न्यूज़ के ऊपर या सोशल मीडिया के अंदर, तो उस दिन स्टीरॉइड्स के साथ साथ अच्छे कोचेज को, जिम को और फूड सप्लीमेंट्स को भी बदनाम कर दिया जाता है। तो जो इस्तेमाल कर रहा है मेडिकल इंजेक्शंस को, पिल्स को, बिना डॉक्टर की एडवाइस के, तो उसको तो सिंपल सी बात है साइड इफेक्ट्स होंगे ही। मिस्टर रवि किशन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ने लोकसभा में एक सवाल पूछा मुझे था। कहा था तुम्हें सिक्स पैक चाहिए तो तुरंत एक ऐसे इंजेक्शन आते हैं, 2.5 महीने में तुमको सिक्स पैक आ जाएगा। सो 2.5 महीने में सिक्स पैक आते हैं और उसकी कीमत बहुत है, और ये पूरे देश के हर जिम में हर कोच के पास इसका नाम है। ये ड्रग्स आते कहां से हैं, ये कोच ट्रेन क्या करते हैं, ये कोच कौन है? तो ऐसे स्टीरॉयड इस्तेमाल हो रहा है जिम्स के अंदर, फिटनेस सेंटर्स के अंदर, और जिस दिन साइड इफेक्ट की बात होती है उस दिन अच्छे कोचेस को, जिम को और फूड सप्लीमेंट को भी साथ घसीट लिया जाता है।